कर्तव्य परायण बेटे का दर्द हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, बैंक कर्मी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कोरोना काल में 4 मई को सुबह 10:55 पर उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी और वह पंचतत्व में विलीन हो गई। उस दिन उन्होंने समझा कि मौत केवल माँ की नहीं देखी, सामाजिक संस्कारों की मौत भी देखी, पारिवारिक दायित्वों और कर्तव्यों के भी। उन्होंने की दास्ता हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके अनुसार जिस दिन माँ का अंतिम संस्कार करना था उस दिन कोई साथ नहीं आया। मेरी अबोध बेटियां ने माँ का श्रृंगार किया। माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे थे। तब मेरी 2 मासूम बेटियों ने खुद ही आगे बढ़कर अर्थी को उठाने की कोशिश की। तब घर के एक लाल को शर्म आई और उसने अनमने ढंग से उसे हाथ लगाया। मेरी बेटियां घाट तक साथ गईं और उन्हें अंत तक मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रही। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक माँ को खोकर बेटियों के रूप में मुझे 2-2 माँ मिल गई हैं। भगवान सबके घर में ऐसी ही बेटियां दे। अब माँ की अस्थियां को मोक्षदायिनी गंगा में प्रवाहित करना मेरे लिए एक चुनौती है। बीमारी से उठा हूँ, कमजोर हूँ, फिर भी भागलपुर या साहिबगंज में गंगा की धाराओं से माँ का मिलन जरूर कराऊंगा, चाहे कैसे भी बाधाएं आए। माँ की पवित्र अस्थियों को लेकर मैं 12 मई की सुबह 6 बजे साहिबगंज के लिए निकला और 9 घंटे लगातार चलने के बाद शाम 3 बजे वहाँ पहुँचा। पहले गंगा में नहाकर खुद को शुद्ध किया, फिर शाम 3:30 पर माँ की अस्थियाँ मोक्षदायिनी दूसरी माँ गंगा की गोद में समर्पित कर दिया। माँ मुझसे अलग नहीं हो रही थी, अस्थियाँ कलश में बैठ गई थी। तब याद आया कि जिस दिन चिता से अस्थियाँ समेट रहा था तो बांस के टुकड़े का सहारा लिया था। कल ऐसा ही लगा कि माँ कह रही हो कि बिना तुम्हारे स्पर्श के मैं नहीं जाऊंगी। तब मैंने कलश में हाथ डालकर अस्थियाँ को सहलाया और तब ही माँ गंगा में जाने के लिए तैयार हुई। दोबारा गंगा में नहाकर 3:45 पर वापस रांची के लिए चल दिया। जाते समय तो ऐसा ही लग रहा था कि माँ मेरे साथ कार में बैठी है, लेकिन वापस आते समय एक खालीपन था। माँ मुझसे जुदा हो चुकी थी, लेकिन मन में एक शांति थी कि बीमारी से उठकर कमजोर शरीर के बाद भी इस महामारी की लाख बाधाओं के बीच माँ को मैं मोक्ष में स्थान दिलाने में कामयाब रहा। एक ही दिन में लगातार 18 घंटे के सफर के कारण शरीर थका हुआ है, 2 दिनों से सोया भी नहीं, लेकिन मन में सुकून है कि मैंने पुत्र होने की अपनी जिम्मेदारी। हो गया ना, एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिन्ड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।